हे hey, नमस्कार जय जगन्नाथ। जय आपण मानको आपण को प्रिय चैनल ओडिसा चार साल को स्वागत करुच्छी। आज वीडियो आपण मानक खास रही है कहीं आज वीडियो आपण मानक ओपीएससी ओडिसा पब्लिक सर्विस कमिशन यही तरफ आपण मानक होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर रे बहुत सारा वैकेंसीज देखा मिले। ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट 186 वैकेंसीज आपको देखा मिले। तो आसतु ए विषय कथा के वैकेंसीज रही क्यों क्यों मैंने एलिजिबल अटंती आउ लास्ट डेट के संपूर्ण डिटेल भिडियोटे आपठी कह जाऊँ। ओके जातु प्रथम तो भिडियो को स्टार्ट करवा। ओके सो गाइस जो वैकेंसी आपर बाहर यह बाहर एब्सोल्युटली भाव में ओपीएससी तरफ ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन ये कौन होना रिक्रुटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर इन द ग्रुप बी रैंक मानने हायरिंग होगा जाऊँगी जोटा कि स्टेट अंडर में रोज हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट आर ऑफिशियल वेबसाइट होगी opsc.gov.in एर ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक अच्छे ये जो लिंक रही रजिस्ट्रेशन बा री रजिस्ट्रेशन बा पेमेंट ऑफ फी एड अवेलेबल है 21/5/2021 ठारू। ओके तो यह कत दिन पर्यंत चलो 22/6/2021 पर्यंत चलो 29/6/2021 हो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक अच्छे टोटल वैकेंसी 186 अच्छे आठ जो टोटल सैलरी देखा मिले आपण मैं 44,900 इन लेवल 10 सेल 1 ऑफ ओआरएसपी रूल हिसाब से आपको देखा मिले। ओके 2017 हिसाब से आपण टाइम टू टाइम जो चेंज हो हिसाब से आपकी सैलरी देखा मिले। वैकेंसी कह जनरल कैटेगोरी 87 अच्छी से मध्य 26 वुमेन मान एससीबीसी 6 पोस्ट 2 वुमेन मान। सिमिलरली एससी 8 पोस्ट 2 वुमेन मान। सिमिलरली एसटी 85 पोस्ट 26 वुमेन मान। टोटाली आपण मानक 186 पोस्ट अच्छी से मध्य 56 वुमेन मान अच्छे। सिमिलरली स्पोर्ट्स कोटा एक्सरसाइज मैन पीडब्ल्यूडी मान भी एठार बहुत सारा वैकेंसी देखा मिले। आउ एज क्वालिफिकेशन कह एज आपरे डेफिनेटली भाव में आपण बयस 21 वर्ष रु 32 वर्ष होता डेफिनेटली भाव में दरकार। ओके एज्रे भी रिलैक्सेशन अच्छी जमीक एससी एसटी एक्सर्विसमैन एम मैं बहुत सारा को रिलैक्सेशन देखा मिले। सिमिलरली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कथा आपण बैचलर डिग्री इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी किंबा आपण मैं इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रू हो दरकार जोटा कि सेंटर काउंसिल ऑफ होम्योपैथी एंड मस्ट हैव रजिस्टर्ड हिमसेल्फ आप निश्चित भाव में रजिस्टर करवा दरकार क्योंकि ओडिशा स्टेट बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन ने भी एग्जामिनेशन फी कह 500 टका एग्जामिनेशन फी रखा जाए अच्छी। और जो मैंने एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से मैं एग्जामिशन कराई से कौन प्रकार फी नदे भी चले मैंने कौन प्रकार फी देखा पड़े ना। ओके सिलेक्शन प्रोसीजर दुईट प्रकार अच्छी प्रथम तो कैरियर मार्केटिंग मार्किंग देन नेक्स्टली रिटर्न टेस्ट होगा जाऊँगी 30% आप कैरियर में कैसे मार्क रखिंट 10% अफ 10th 12th रे भी 10% 12th एंड बीएचएमएस जोड़ा होम्योपैथिक रो बैचलर डिग्री सेटार जो परसेंटेज रहा ता प्लस रिटर्न टेस्ट 70% आपको कनसीडर करा दुईट पेपर होगा जाऊँगी 100 मार्क गोटे गोटे पेपर रो। ओके आउे नो नेगेटिव मार्किंग इन द रिटर्न एग्जामिनेशन इन केस ऑफ रॉन्ग रिस्पॉन्स रही आपको मिलना बहुत इजी रोक गाइज बहुत इजी आप डेफिनेटली भाव में ट्राए करते रिटर्न एग्जाम भुवनेश्वर कटक रहा जाऊँगी भाई देखो नो नेगेटिव मार्किंग इन द सेंस एनीवन कैन क्रैक द एग्जामिनेशन। ओके जी आप परफेक्टली पाठ पढ़ी डेफिनेटली भाव आपने क्राक करें एग्जाम गुड़ाक। ओके आउे भी आपको सोने में सुहागा जैसा आपठे नो नेगेटिव मार्किंग भी अच्छे। ओके आपर एज लिमिट भी ताध्य रही दरकार। ओके आउे इम्पोर्टाट नोटिफिकेशन भी कही जोड़ा कि इम्पोर्टाट बहुत मैंने किसी फल्स फल्स एगुड़ा करूँ ना। ओके आउ रिजेक्शन विषय गुड़ाक कही अप्लाई केमती करेंगे opsc.gov.in को जातु कैरियर सेक्शन में जाइए अप्लाई नाउ बटन को दबाई कि अप्लाई कर दिंतु ए। ठीक अच्छे देन
ଫାସିଲେସନ୍ କାଉଣ୍ଟର ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ କି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଓପିଏସ୍ସିର ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି 0671-230-4707 ଆପଣମାନେ 10:30-1:30 ମଧ୍ୟରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା 2ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ କଲ୍ କରିପାରିବେ ଓକେ କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି 22/6/2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚାଲୁଛି ଓକେ 29/6/2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ପେ ଫେ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଇଟା ଓକେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କହିଛି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି 2 ପେପରରେ ରହିବ ଓକେ 2 ପେପରରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନାହିଁ ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ବ୍ରାଞ୍ଚର ବା ହୋମିଓପାଥିକ୍ ପିଲା ଡେଫିନେଟ୍ ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ୟାଥୋଲୋଜି ଆନାଟୋମି ଫିଜିଓଲୋଜି ଦେନ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ମେଡ଼ିସିନ୍ ସର୍ଜରୀ ଏଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିଥିବେ ଏହି ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ ପେପର ରହିବ ସେକେଣ୍ଡ ପେପର ଆପଣଙ୍କର ମେଟେରିଆ ମେଡ଼ିକା ଦେନ୍ ଅର୍ଗାନୋନ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେନ୍ ରେପେରୋଟୋରୀ ଦେନ୍ ହୋମିଓପାଥିକ୍ ଫାର୍ମାସି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଥିରେ ବି 100 ରହିଯାଉଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଷ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କରିବେ ପେପର୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ରହିବାକୁ ଯାଉଛି କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ମାର୍କ 50% ରହିବ ଜେନେରାଲ୍ ଆଉ ଏସ୍ ସି ବି ସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 45% PH କାଟେଗୋରିରେ ରହିବ 40% ରହିବ SC ଆଉ ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋ ଗାଇଜ୍ ଏହା ଥିଲା କିଛି ଆଜିର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସାରି ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡେଫିନେଟ୍ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇଥାନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ